Once again, welcome back to my channel Dig for Knowledge. In today's video, we'll be discussing about how to insert audio files or video files using embed tag. So, embedding an audio clip using embed tag. Embedded objects are what? They are any object, like they can be media clip, they can be a file, a program, or any other object that can be run or viewed from within a page. You can embed sound files directly into your web page. Users won't have to click a hyperlink to begin the audio clip. Yani ab ki baar aapko anchor tag yani ek kisi link par hyperlink par click karke video chalane ki zarurat nahi hai. It can start automatically. Depends on the control. Agar aapne control mein automatically likha hua hai to it will start automatically as soon as the page displays, or it can start when the user click the play control on the embedded helper application. यानी ये वाला इस ऑप्शन में भी क्या होगा, हेल्पर एप्लीकेशन का यूज होगा. When the browser encounters an embedded object, it loads the appropriate plugin and controls like pause, rewind, etc. यानी जब भी ब्राउजर एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को लोड करेगा तो उसको तरह तरह के कंट्रोल्स विजिबल होंगे, जैसे कि पॉज, रिवाइंड, एटसेट्रा. एज द ऑब्जेक्ट इज एम्बेडेड, सो द कंट्रोल्स अपीयर ऑन द वेब पेज. क्योंकि अभी वो वेब पेज में ही है तो इसलिए जो उसके कंट्रोल्स हैं वो वेब पेज पर ही अपीयर होंगे. इसका सिंटैक्स देख लीजिए. एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखा, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा एम्बेड, और फिर सोर्स मेंशन करेंगे कि जो फाइल हम एम्बेड करने वाले हैं वो कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है. देन हियर वी विल मेंशन यूआरएल ऑफ द साउंड फाइल एंड वी कैन मेंशन विड्थ एंड हाइट आल्सो. अदरवाइज वो वीडियो और ऑडियो फाइल जो भी है वो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है. अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इट इज गुड इफ यू मेंशन विड्थ एंड हाइट. ऑटो स्टार्ट अगर आप ट्रू रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. बाय डिफॉल्ट वो ट्रू वैल्यू होती है. ऑटो स्टार्ट आप फॉल्स रखेंगे तो आप तब उस पर क्लिक करेंगे तभी वो वीडियो स्टार्ट हो. लूप की वैल्यू भी दो हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स. इसका क्या मतलब है, लूप यानी कोई चीज बार बार रिपीटेडली चलना. अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो खत्म होने के बाद फिर से खुद ही शुरू हो जाए तो लूप की वैल्यू ट्रू रखिएगा, अदरवाइज लूप की वैल्यू फॉल्स रखनी. सो लेट्स चेक द कोड. हियर इज द कोड, एम्बेड सोर्स. यहाँ पर अपनी सोर्स फाइल का हमने नाम दे दिया MP4, m.mp4. टाइप बता दिया उसका कि वो वीडियो फाइल है /mp4. ऑटो स्टार्ट में वैल्यू क्या रखी है, ट्रू, ताकि हमारी ऑडियो हमारी जो वीडियो फाइल है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए. लूप की वैल्यू भी ट्रू रखी है. विड्थ और हाइट मेंशन किए हैं. एंड कंट्रोल्स, यहाँ पर कंट्रोल एट्रीब्यूट का लिखना भी जरूरी है. सो लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस. हियर इट इज, ये वाला जो पोर्शन है, लेट्स ट्राई एम्बेड टैग आल्सो. इसमें जो वीडियो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली वीडियो और इस वीडियो को, इन दोनों को ध्यान से देखिए. देख रहे हैं आप, इस ये दोनों सेम फाइल्स हैं. मैंने दोनों सेम फाइल्स को इस पे एम्बेड किया है. अगर आप एम्बेड वाले टैग का यूसेज देखिए तो उसमें यहाँ दोनों तरफ आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है, ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है. इससे हमें ये पता चलता है कि ये फाइल जो है प्लग इन एप्लीकेशन की हेल्प से रन हो रही है. सो आई कैन प्ले द So I have the controls also, like I can play the video, I can pause the video, I can increase or decrease the video, I can download also. These are the various options available in this. यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, हम चाहे ऑडियो एम्बेड करें या वीडियो एम्बेड करें, दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है. डिफरेंस सिर्फ एक जगह आता है, जब हम सोर्स में वैल्यू मेंशन करते हैं तो यहाँ हम क्या मेंशन करते हैं, URL of sound file. और अगर वीडियो फाइल है तो बस क्या होगा, URL ऑफ वीडियो फाइल. अदरवाइज सिंटेक्स एज इट इज है. यानी आपको अगर ऑडियो इंसर्ट करनी आ गई यूजिंग एम्बेड टैग तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो फाइल इंसर्ट करनी आ गई. That's all for today. In this video, we'll be discussing about embed tag only. In the next video, we will be discussing about embedding a video tag using video element. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel.